to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamala Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है हरि हरि बोल। आज से आपका ये वन एंड हाफ डेज का कैंप शुरू हो रहा है तो आपके बहुत बहुत बधाइयाँ हरि हरि बोल लख लख बधाइयाँ। तो आप में से कितने भक्त लोग पहली बारी ऐसे कैंप में आ रहे हैं? वेरी गुड, उनका विशेष स्वागत बोलेंगे हरि बोल। आप से कितने भक्त लोग वृंदावन गए थे विप्लव कैंप में? वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए ये जो कैंप्स होते हैं हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पे, इसका बहुत लाभ होता है। क्या क्या लाभ होगा आपको, आप क्या सोच के आए, क्या क्या लाभ मिलेगा आपको? आप हाँ नॉलेज वेरी गुड, और क्या मिलेगा? हाँ एसोसिएशन, भक्तों का संघ, हाँ भक्ति में आगे बढ़ने का इम्पिटस, प्रेरणा मिलेगी। हाँ हेल्पफुल इन कैरेक्टर बिल्डिंग, वेरी गुड। हाँ डाउट्स क्लियर होते हैं, कॉन्शियसनेस अच्छी होती है। अब यहाँ पर इकट्ठे हो गए हम और कुछ नहीं करना आपको। पूरे आपके पास 36 घंटे हैं, 36 घंटे होंगे है ना, लगभग 36 घंटे हैं। पूरा टाइम कृष्णा कॉन्शियस 100% हरि हरि हो, सोचना नहीं है इधर उधर की, बस केवल कृष्णा कॉन्शियस। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बोले क्या आप सोचेंगे ये 36 घंटों को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं पूरा जीवन, बस अगर पूरा जीवन ही कैंप हो जाए तो क्या आनंद हो जाएगा। पूरा जीवन कैंप, पूरा ये 36 घंटे जैसे कि इसको कॉपी पेस्ट कर दो पूरी लाइफ में, हो जाएगा? संभव है, संभव है, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, आपने शुरुआत तो हो चुकी है, प्रसादम कैसा लगा आपको? शुरुआत ही प्रसादम से, क्या बात है। ये तो अनूठा कैंप हो गया। और अभी तो देखिए जो लास्ट आइटम है आपके लिए सरप्राइज है, इनके लिए कर दिया, चलो ठीक है, वो भी आपको बहुत रिलिश करेंगे। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम सबके जीवन के लिए, और ऐसा नहीं कि ये टॉपिक केवल युवाओं के लिए है, इस संसार में प्रत्येक जीव के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये है ओवरकमिंग लस्ट। सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि लस्ट क्या है और लस्ट को ओवरकम करना क्यों जरूरी है। टॉपिक ले ही क्यों रहे हैं आप, इसका महत्व तो क्या है, तो लस्ट क्या है और इसको ओवरकम करना क्यों जरूरी है। आप में से कितने भक्तों के बीच में कभी कभी लस्ट आती है, कभी कभी आपको नहीं आता लस्ट आते? गुड। तो क्या है लस्ट, आपका क्या अनुभव है, उसको क्या ओवरकम करना जरूरी है, तो है क्या पहले बताओ तो सही, है क्या लस्ट ओवरकम तब कर। हाँ हाँ, कोई चीज चाहते हैं तो उसे ज्यादा चाहते, दिक्कत क्या है, चाह है तो फिर दिक्कत क्या है, उसे माइंड स्टेबल नहीं होता। ओके, यानी कि लस्ट का मतलब, लस्ट है क्या, आपकी डेफिनेशन क्या है लस्ट की, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है लस्ट की। लस्ट वो है जो हम अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। वेरी गुड, गुड डेफिनेशन। हाँ, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा, और गुड, वेरी गुड, वेरी क्लोज, वेरी गुड। और क्या है लस्ट, क्या है काम वासना, क्या होते हैं, तो हिंदी में हो गया काम वासना। अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो जाना, उसके लिए पागल हो जाना। ओके, और क्या होता है लस्ट, आपने बता दिया। स्पिरिचुअल चीज़ों से हट के किसी भी चीज़ को पाने की बहुत ही प्रगाढ़ लालसा, इंटेंस डिज़ायर। गुड, तो इससे नुकसान क्या है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, किसी चीज़ को पाने की इंटेंस डिज़ायर करना, किसी फीमेल के पीछे पागल हो जाना, इसमें दिक्कत क्या है, इसको ओवरकम करने की क्या ज़रूरत है। इसमें आनंद तो आता ही है, अपनी जो इच्छाएँ पूरी करें, अच्छा लगता है कि नहीं लगता, और एक बार इच्छा पूरी हुई तो उसकी लालच बढ़ गई तो दिक्कत क्या, और मैं इच्छा पूरी करना चाहता हूँ तो इन्हीं चीज़ों में रह गया, तो नुकसान क्या है, टाइम पीरियड मतलब टाइम वेस्ट होता है, मतलब क्या टाइम वेस्ट होता है, अपनी इच्छा पूरी करो, आपको आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, तो दिक्कत क्या है, क्षणिक सुख होता है। हाँ, क्यों जरूरत है स्पिरिचुअल लाइफ में डेवलपमेंट, गुड। हाँ, स्पिरिचुअली फिजिकली वीक हो जाते हैं, वेरी गुड। हाँ, जितना हम लोग इन्वॉल्व होते हैं हमें लगता है हमें खुशी मिलने वाली, बट उतना उससे ज्यादा दुख मिलता है, उससे ज्यादा दुख मिलता है। बहुत अच्छा है, सब ज्ञानियों की सभा है ये, हरि बोल, और ज्ञानियों की सभा, आपको तो सेमिनार देना चाहिए सबको। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छे आपने दिए। और कौन कहना चाह रहा था कुछ इससे? हाँ बताइए। अगर इच्छा पूरी ना हो तो और गलत विचार आएंगे। गुड। हाँ, तो है लेकिन सही जगह पे नहीं है, वो गलत जगह पे, गलत जगह पे। गुड, तो हाँ सब नुकसान बता रहे हैं, वेरी गुड। तो देखिए, वास्तव में जो हमें मनुष्य जीवन मिला है इसी लस्ट को जीतने के लिए मिला है, और वास्तव में भगवान ने इस पूरे सृष्टि की रचना भी इसलिए की है कि हम इस लस्ट को जीत सके, और भगवान ने हमें पूरी क्षमता भी दी है, सारी फैसिलिटीज भी दी है, भगवान इतने कृपालु हैं। तो अर्जुन ने भगवद गीता में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, ये भगवद्गीता के तीसरे अध्याय का 36वां नंबर श्लोक है। अर्जुन ने पूछा, हे विष्णुवंशी, ऐसी क्या बात है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी पाप करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है अनिच्छा से, मैं चाहता भी नहीं कि पाप करूँ, लेकिन ऐसा कोई है, कोई बल है कोई अंदर का जो मुझे जबरदस्ती ये काम करा देता है, मैं करना नहीं चाहता लेकिन अंदर एक ऐसा फोर्स आता है, एक वेग आता है जो मुझसे गलत काम करा देता है।
हम सबका ये अनुभव है, हमें मालूम होता है कई बारी जो ये मैं काम कर रहा हूँ ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। कितने लोगों का ये अनुभव हुआ है कभी, है ना, ये होता है। और उसके बाद क्या होता है, हमें जब मालूम हो कि हम ये गलत काम है उसको हम करते हैं, तो बाद में क्या होता है, गिल्टी फीलिंग होती है, अपने आप अपना आत्मसम्मान कम हो जाता है, अपना जैसे कहते हैं अपने लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ग्लानी की भावना आ जाती है, बोले अब आगे से नहीं होगा। लेकिन दोबारा से फिर ऐसा कोई वेग आता है, फिर हम ना चाहते हुए गलत काम कर देते हैं, तो इस प्रकार से हम फंसे रहते हैं। तो अर्जुन का भी यही प्रश्न है, कोई चाहे भगवान को माने या ना माने, कोई चाहे भगवद गीता को माने या ना माने, लेकिन इस अर्जुन के प्रश्न को हर कोई मानेगा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, है ना। कोई ये माने ना माने कि भगवान साकार है, निराकार है, है नहीं है, लेकिन ये बात तो हर कोई मानेगा, ये अर्जुन की बात तो फर्स्ट क्लास है कि ना चाहते हुए भी हमसे पाप क्यों होता है, ऐसा लगता है अंदर कोई एक फोर्स है जो जबरदस्ती करा रहा है ना। तो अर्जुन के प्रश्न को देखकर भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, है ना। भगवान ने कहा जय श्री प्रभुपाद की जय, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो भगवान ने कहा अर्जुन ये लस्ट है, क्या बोला, बोलिए कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधि एनामिह वैरिणम। कोई पढ़ेगा जोर से, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड इट इज लस्ट ओनली अर्जुना व्हिच इज बॉर्न ऑफ कांटेक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू राग एंड व्हिच इज ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। हां अर्जुन ये क्या है, ये काम है, ये काम है जो आपको सब कुछ जानते हुए भी आपसे गलत काम कराता है और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये क्रोध में बन जाता है। और ये क्या है, महाशनो महापाप्मा, ये बहुत ही बड़ा पाप है और ऑल डिवोरिंग, महाशना जितना मर्जी इसको खिला दो ये शांत नहीं होता, जितना मर्जी इसको खिला दो। और ये क्या है हमारा, विधि एनम ही वैरिनम, इसको अपना शत्रु मानो, इसको अपना शत्रु मानो। किसी शत्रु से डील करना हो तो राजनीति में चार तरीके होते हैं, कौन कौन से चार तरीके होते हैं, साम दाम दंड भेद। अब काम वासना को बोलते हैं कैसे डील करें, महाशना जो इसमें डालो ये खा जाते हैं। साम का मतलब क्या होता है, समझाया, काउंसलिंग की, गलत विचार आ रहे हैं काउंसलिंग की, नहीं करना चाहिए यार ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, फिर गलती हो जाती है। आपको मालूम है श्रीमद् भागवतम में कथा आती है अजामिल की, है ना। अजामिल इतना अच्छा ब्राह्मण था, जंगल में गया लकड़ी लेने, वहाँ एक वैश्य को देख लिया एक पुरुष के साथ, और दोनों ने मदिरा पी हुई थी और बिल्कुल दोनों आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, उसका पूरा दिमाग खराब हो गया, उसको सारे श्लोक याद किए उसने, कुछ कोई काम नहीं कर रहा, समझा रहा है गलत है, समझा रहा है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वैश्य को घर में ले आया, पत्नी को बाहर निकाल दिया, वैश्य से विवाह कर लिया, 10 बच्चे पैदा कर दिए, कोई काउंसलिंग काम नहीं की, साम काम नहीं किया, और क्या उसके बाद दाम, दाम का मतलब क्या होगा, दान दिए, चलो यार डील कर लेते हैं कुछ, तुम ये कर लो, हैं वो भी नहीं चलेगा, जितना इसको डालोगे वो खा जाएगा, और चाहिए इसको, और क्या हुआ, भेद, डिवाइड एंड रूल, कुछ इस पॉलिटिक्स कर लो वो भी नहीं चलेगा, इसमें केवल एक ही चलता है वो क्या है, दंड, और कुछ नहीं चलेगा, राइट। तो ये लस्ट है, ये जो काम है, काम एश क्रोधोश है, महाशनो विधि एनाम ही वैरिणम। तो ये क्या है एक्चुअली, कहाँ से ये लस्ट आई, तो भगवद्गीता में भगवान इसको बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं कि किसी भी जीव के अंदर बहुत ही गहरी और सबसे प्रमुख जो इच्छा है हम सब जीवात्माओं की, चाहे वो किसी भी योनि में है, वो इच्छाएं क्या हैं, कोई बताएगा, बहुत बड़ी चर्चा की, दो इच्छाएं पूरी हो जाए हमारी हम संतुष्ट हो जाएंगे, कोई गैस करेगा, ऐसी कौन सी दो इच्छाएं हैं अगर वो पूरी हो गई तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे हमेशा के लिए।
हाँ स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं पे भी है किस, हाँ दो इच्छाएं हैं, वो दो इच्छाएं पूरी हो जाए, कोई धनी है गरीब है पढ़ा लिखा है अनपढ़ है अमेरिकन इंडियन जो भी है पुरुष स्त्री कुत्ता बिल्ली पशु जो भी है, उसकी दो इच्छाएं पूरी हो जाए वो संतुष्ट है। ईटिंग मीटिंग सब कर रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं क्या हम? फिर और कभी दुख ना हो कभी सुख रहे, तो इच्छा कभी पूरी होगी नहीं दुख ना हो और हमेशा सुख रहे, ये क्या ये स्थिति कब आएगी? हाँ वो क्या है, टू लव एंड टू बी लव्ड, बस ध्यान दीजिए। अगर आप लोग बुद्धिमान हैं तो जड़ को पकड़िए, ये जड़ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें प्रेम करने वाला चाहिए और ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको हम प्रेम कर सकें और वो हमसे प्रेम कर सके, बस ये नीड हमारी पूरी हो गई, हम जीवन की हर हालत में संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है तो हम इस नीड को आर्टिफिशियल तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं, है ना, हम सोचते हैं नहीं ये मैं चला जाऊं मेरे को ये उपलब्धि मिल जाए, ये अचीवमेंट हो जाए, वो अचीवमेंट हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बेसिकली हम सब क्या ढूंढ रहे हैं, प्रेम ढूंढ रहे हैं, या तो हम प्रेम किसी को दे दें या किसी से प्रेम पा लें। ओके, अब जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिल्कुल हम शुद्ध अवस्था में हैं और कृष्ण हमारे सेंटर में है और उसको बोलते हैं लव। जब कृष्ण हमारे केंद्र में है, कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जाते हैं यमुना के तट पे, सेंटर में बैठ जाते हैं, सब ग्वाल बालों को घेर के बैठ जाते हैं और सब इकट्ठे बैठ के अपने अपने घर से वो ब्रेकफास्ट आते हैं पाते हैं, है ना। कृष्णा लाखों करोड़ों गोपियों के साथ एक साथ नृत्य करते हैं, कृष्ण के साथ कुछ कृष्ण के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कृष्ण अपना विस्तार कर देते हैं, करोड़ों करोड़ों कृष्ण एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण है और हर गोपी सोचे कि कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहे हैं, खूब नाचते हैं। तो ये शुद्ध अवस्था है, कृष्ण है और मैं हूँ बस, है ना, तो हम क्या हैं, प्रेम की अवस्था है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मटेरियल वर्ल्ड क्या है कि इम्प्योर अवस्था है, क्या है वो कि बीच में सेंटर में मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इंजॉयर हो जाऊँ और क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं लस्ट। जब हम कृष्णा को इंजॉयर मानते हैं तो वो कहलाता है प्रेम, और जब हम अपने आप को इंजॉयर मानते हैं बनना चाहते हैं तो क्या बन जाता है, वो लस्ट। ओके, ये डिफरेंस है। बेसिकली लस्ट के रूप में हम अपनी प्रेम की नीड को ही पूरा करना चाह रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है, सेंटर में कौन है। सेंटर में अगर कृष्ण हो गए तो क्या बन जाएगा, लव, और सेंटर में अपने आप को रख दिया तो वो क्या बन गया, लस्ट। तो इसकी बड़ा अच्छा श्लोक है, आप बोलिए, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। बोलिए, पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। यस, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, अपने आप को इंजॉयर मानना, ये कहलाता है काम। कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, कृष्ण को इंजॉयर बनाना, ये क्या कहलाता है, प्रेम। बस खाली कौन सेंटर में उसको चेंज करना है। अगर हमने इंजॉयर कृष्ण को बना लिया तो प्रेम हो जाएगा, इंजॉयर अपने आप को सेंटर में रखा तो वो क्या बन जाएगा, काम। तो काम वासना केवल सेक्स की वासना नहीं है, ऐसी कोई भी इच्छा जिसमें मैं सेंटर में हूँ वो क्या है, काम, और हर इच्छा जिसमें कृष्ण सेंटर में है वो क्या है, प्रेम। जो पुरुष और स्त्री का आपस में आकर्षण है, मेल फीमेल का आपस में सेक्सुअल अट्रैक्शन है, ये इस संसार का सबसे बड़ा तथाकथित सुख माना जाता है, है ना, टॉप मोस्ट लस्टी फीलिंग उसको बोल सकते हैं। लेकिन कोई भी लस्ट, अगर आप अपने लिए चॉकलेट भी खाना चाहते हैं तो वो क्या, काम है कि प्रेम है।
और वही चॉकलेट भगवान को अर्पण कर खाने तो क्या है, कृष्ण को सेंटर में रख दिया तो काम क्या बन गया, प्रेम बन गया। और अगर काम अपने आप को एंजॉय बनाने का प्रयास करेंगे तो कभी एंजॉय कर पाते हैं नहीं, इसलिए सारा संसार दुखी है। और कृष्ण को एंजॉय बनाते हैं तो क्या रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। दैट इज द फिलॉसफी। ओके, अब ये लस्ट आता कहाँ से है? लस्ट और लव जो क्या है, एक ही शक्ति है भगवान की, लेकिन इसके अलग अलग रूप ले लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन कोयला भी है और कार्बन डायमंड भी है, मेटल गोल्ड भी है और मेटल आयरन भी है, राइट। लेकिन जो लस्ट है, जो हमने अपने आप को सेंटर में रख लिया, भगवान कह रहे हैं ये हमारा एटर्नल शत्रु है, विधि एनामि वैरिणम, ये हमारा नित्य शत्रु है ना। कैसे शत्रु है, ये हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। कैसे ज्ञान को ढकता है, भगवान गीता में तीन उदाहरण देते हैं, पढ़िए। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the moon, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. हाँ, हर एक में, मैंने हर योनि में ये लस्ट है, लेकिन इसका डिग्री ऑफ कवरेज अलग अलग है। कैसे अलग है, मनुष्य योनि में उदाहरण दिया गया है, जैसे कि फायर के ऊपर स्मोक हो, अभी हम बॉन फायर करेंगे कुछ धुआं भी निकलेगा, अग्नि के साथ उसके स्मोक आता है, अग्नि कंफर्टेबल है, स्मोक से क्या होगा, आंखें चलेंगी, खांसी आएगी, है ना। तो अग्नि शुद्ध अवस्था है, स्मोक उसकी इम्प्योर अवस्था है। लेकिन मनुष्य जीवन में ये जो एग्जांपल है, अगर हम अग्नि को सही ढंग से हैंडल करें तो स्मोक को दूर भगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो मनुष्य योनि में ऐसी कैपेसिटी है कि हम लस्ट से जीत सकते हैं, लस्ट को ओवरकम कर सकते हैं। सेकेंड उदाहरण है मिरर कवर्ड बाय डस्ट, किसी शीशे के ऊपर धूल जम गई, इतनी धूल जम गई कि पता नहीं चल रहा कि धूल के नीचे शीशा है। ये चेतना ऐसी अवस्था होती है पशु पक्षियों की, उनकी जो चेतना है उनका ज्ञान इतना ढक जाता है। और तीसरा है कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा एकदम ढका होता है, बेचारा हिलडुल भी नहीं सकता, ऐसी चेतना होती है पेड़ों की, पेड़ों के अंदर भी लस्ट है ना, लेकिन वो इतनी उनकी चेतना ढकी हुई है, ज्ञान इतना ढका हुआ है, वो हिलडुल भी नहीं सकते। पशु पक्षियों की चेतना ज्ञान इतना ढका हुआ है कि वो इससे काम वासना से मुक्ति नहीं पा सकते। और जब मनुष्य है, उसकी चेतना में लस्ट ने इतनी कवरिंग है कि मनुष्य अगर अपने अपनी चेतना का सही उपयोग करे तो इस धुएं से, जैसे अग्नि से को सही ढंग से टैकल करके हम धुएं से छुटकारा पा सकते हैं, तो अपने जीवन में अगर सही ढंग से इसको अपने ह्यूमन एनर्जी को टैकल करें तो हम इस लस्ट को जीत सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान को ढक देता है ना। हमने देखा है कई लोग पागल हो जाते हैं, देखा आपने किसी लड़के को पागल होते हुए लस्ट के कारण। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, वो किसी ना किसी ने चाहता था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड बने और इम्प्रेस करना चाहता था, किसी ढंग से मैं इम्प्रेस कर दूँ। अब शक्ल सूरत इतनी अच्छी थी नहीं उसके, कोई इम्प्रेस होती थी नहीं, पीछे पड़ता था वो भाग जाती थी सब, तो क्या करें, उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। सिगरेट पीऊँगा, सिगरेट लगा के छल्ले बनाता था ऊपर, कोई तो देखेगी इम्प्रेस होगी, कोई नहीं हुआ, दाढ़ी बढ़ा ली, देवदास बन गया, कोई नहीं हो रहा। फिर उसने उल्टी सीधी कहानियाँ बनानी शुरू कर दी कि मेरी माँ बीमार है, मैं गरीब खानदान से हूँ, मैं लीव अपना किडनी बेच रहा हूँ, सिंपैथी करके कोई फंस गई, कुछ नहीं सिंपैथी, बड़े बड़ी बुरी हालत है हमारी। बाद में चलो ये भी शुरू हो, भी धक्का मार के चले गए, पागल हो गया बेचारा, पागल हो गया। ऐसे ही तो किसी जोर देखें साइकिक हो जाते हैं, किसी पर दिल आ गया, उसने ठोकर मार दी, व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खो जाते हैं। एक और व्यक्ति था हमारे मंदिर में आता था, तो उसको लगा कि बस मुझे इससे प्रेम हो गया, वन साइडेड स्टोरी थी, उसकी शादी कहीं और हो गई। अब ये इसको लगा शादी हो गई है। एक और व्यक्ति बेचारा मंदिर भक्त में आता था, ये उस पर शक करने लगा कि इसने उसको भगा के ले गया है, उसका इन्हीं साथ कोई इलिसिट कनेक्शन है, मेरे पास आया कंप्लेंट लेके। मैं कहा प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। कह रहे कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं गए प्रभु जी, आप भी चक्कर में आ गए हो,
यहीं छिपी हुई है वो, इसने छुपाया हुआ है। मैंने भैया वो अपना शादीशुदा है, उस तरह तरह के उसके ख्याल चल रहे हैं और उस बेचारे की अभी तक हालत ख़राब है। 4 साल हो गए वो इससे निकल ही नहीं पा रहा, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है कि ऐसा सब कुछ है। ये इतना खतरनाक है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, पूरे आपके ज्ञान को ठक देता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल जब तक हम जवान हैं तब तक रहती है, ये ऐसा नहीं है कि मन में हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन बूढ़ा नहीं होता। समझ रहे हैं आप? शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मन बूढ़ा नहीं होता। शंकराचार्य जी कहते हैं ना, अंगम गलितम पलितम मंडनम, है ना, अंग गल जाएंगे, पलितम मंडनम, ये बाल झड़ जाएंगे, अंगम गलितम पलितम मंडनम दशना वहितम जातम दंडम, एक एक करके दांत गिर जाएंगे। वृद्धो यदि गहित्वा दंडम, दंडा लेके चलोगे, तदिना तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तब भी जो हमारे मन की आशाएं हैं वो खत्म नहीं हुए। बाल चले जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, डंडा हाथ में आ जाएगा, चला नहीं जाएगा, लेकिन मन में जो आशाएं हैं वो खत्म नहीं होंगी। प्रभा जी कौन सा उदाहरण देते हैं इसका, कहानी सुनाते हैं प्रभा जी इसके ऊपर, कि बूढ़े भी हो जाओगे लेकिन लस्ट जाएगी नहीं। आपको एक यंग सी लड़की आएगी, वो अंकल अंकल बोलेगी, आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, अंकल बोल रही है मुझे। वो सोच भी नहीं पाएगी कि अंकल जी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अंकल जी अभी भी अपने आप को 20 साल का ही मान रहे हैं। अभी हम हंस रहे हैं लेकिन ऐसी हालत होती है, पागल हो जाते हैं लोग बिल्कुल। एक बार यही बात बीरबल ने अकबर को बताई, तो अकबर बोलता है नहीं नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, पागल की ऐसी बात नहीं। तो बीरबल कहता था यार आप ऐसे समझोगे नहीं, आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था, उनके राज्य में बिल्कुल शरीर छोड़ने वाला था। अकबर बीरबल भाग के अकबर के पास, जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले कहाँ हुआ? बोले वो आपका एक व्यक्ति है वो शरीर छोड़ने वाला है, बस जाओ के एक दर्शन दे दो। अपने ठीक है। बोले यार नहीं अकेले नहीं, अपने छोटी बेटी को भी ले जाओ साथ में। बोले वो क्या करें, चलो तो सही आप। छोटी बेटी को भी ले गया, वो जवान थी, तो बिल्कुल व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने वाला है, करा रहा है एकदम। बीरबल आया, अकबर आया, साथ में उसकी यंग बेटी आई, छोटी आई, तो पहली नज़र उसकी बेटी पे गई। बीरबल ने कहा अकबर को, देख लो क्या हो रहा है, अभी छोड़ने वाला शरीर, 2 मिनट में शरीर छोड़ देगा। शरीर छोड़ते छोड़ते भी लस्ट इतना भूसा हुआ अंदर, देख रहा है कि सुंदर चेहरे को देख लूँ पहले में। ये हालत है, यू नो। तो ये हमारा एटर्नल एनिमी है, और जन्मों जन्मों तक वो शरीर छोड़ देगा। यानी कि अगले जन्म में जब हम जन्म लेते हैं तो हम बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप है, बोलते हैं ना, वाह भगवान का रूप नहीं है। खूब लस्ट फड़ी हुई है जिसका, इस मानव जिसको इस संसार में जन्म मिला है, इसका मतलब वो लस्टी है, उसके अंदर काम वासना है, तभी उसको जन्म मिला है। तो यहाँ अगर हमारे अंदर लस्ट नहीं है तो हम भगवान के धाम में होते हैं। जो भी संसार में जन्म ले रहा है इसका मतलब वो लस्ट है उसके अंदर, तभी तो जन्म ले रहा है, सीधी सीधी बात है। तो बच्चे भगवान का रूप है, भगवान का रूप ऐसे थोड़ी हो गए वो भैया, भगवान तो परम शुद्ध हैं। अभी वो उसका लस्ट निकल के आ नहीं रहा, जैसे वो 12-13 साल का होगा परमात्मा हृदय में बैठे, भैया तेरे को जन्म इसलिए थोड़ी दिया था, तेरी लस्ट डिजायर से चल पूरी कर। फिर भगवान शरीर का ग्रो हो जाता है, फिर उसके अचानक हम सबका अनुभव है 12-13 साल में, फिर से हमारी लस्ट डिजायर जो पिछले जन्म की होती हैं वो जागृत हो जाती है। इसके लिए किसी स्कूल में नहीं जा रहा, कोई कोचिंग में नहीं जाना, कोई कोचिंग नहीं है, कोचिंग फॉर लस्ट डिजायर्स है ना, आप भूल गए हैं कि आपका क्या लस्ट था पहले जन्म का, हम तो आपको रिवाइव करेंगे, नहीं वो तो अपने आप ही जागृत हो जाती है। तो ये हमारा क्या है, एटर्नल एनिमी है, जन्मों जन्मों से हमारे साथ चल रहा है। और जब तक इसको टैकल नहीं किया, लस्ट मतलब दुख, लव मतलब आनंद, चॉइस हमारे पास है, इसी लस्ट को हम लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं किया तो यही लस्ट रहेगा, और लस्ट केवल सेक्स डिजायर नहीं है, एनी डिजायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, जो कृष्ण से अलग है वो क्या है, लस्ट, वो क्या है, दुख। परिणाम उसका क्या है, दुख ही दुख है। समझ आ गई बात? तो ये कैसे शुरू होता है,
देखिए भगवद गीता बहुत साइंटिफिक तरीके से बताती है, ध्यायते विषयान पुंसान संगास्ते शूपजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोधोद्विजायते। तो ये 2.62 है। देखिए ध्यायते विषयान पुंसान, जब हम विषयों पे जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स पे उस पर ध्यान लगाते हैं तो क्या आता है, फिर अटैचमेंट। अटैचमेंट से क्या आता है, काम, लस्ट। किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते रह जाओगे, आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दी उसके बारे में आप सोचते रह जाओगे, है ना। सोचते रहने से क्या होता है, उससे अटैचमेंट हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद एक इच्छा आएगी, मुझे चाहिए ही चाहिए। सारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी पे काम कर रही है, एक एक चीज़ बार बार आपको दिखाएगी, बार बार दिखाएंगे ताकि आपका कंटेम्पलेशन उस पर बढ़ जाए। कंटेम्पलेट करोगे तो अटैचमेंट हो जाएगी, अटैचमेंट होगी तो लस्ट आ जाएगी, फिर लस्ट से क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। जब एक बार क्रोध आ गया तो फिर क्या आ गया, क्रोधाद्भवति सम्मोह, क्रोध से डिल्यूजन हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, मेमोरी उल्टी पुल्टी हो जाएगी, उसमें वायरस घुस जाएगा। फिर समृद्ध प्रशांत बुद्धि नाश हो, मेमोरी लॉस्ट होगी तो बुद्धि चली गई, फिर क्या हुआ, प्रणश्यति, फिर हमारा फॉल डाउन। शुरुआत कहां से हुई, कंटेम्पलेशन। तो ये साइकिल समझो आप, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसको इस ढंग से भी दिखाया गया, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस पे कंटेम्पलेट करेंगे, उससे अटैचमेंट मिल जाएगी, अटैचमेंट से लस्ट आ गया, लस्ट से एंगर आया, एंगर से डिल्यूजन, डिल्यूजन से बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, उससे लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, उससे फॉल। तो अगर हमने देखना है कि लस्ट को रोकना है तो क्या शुरू करना चाहिए, कहाँ इसको रोक देना चाहिए, कंटेम्पलेशन पे, कंटेम्पलेशन पे ही रोक दो। समझ गए आप, माइंड कैसे काम करता है, तीन किन कौन सी तीन स्टेजेस में माइंड काम करता है, माइंड की तीन स्टेजेस क्या है काम करने के, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ना। थिंकिंग हो गया कंटेम्पलेशन, फीलिंग हो गया अटैचमेंट, और विलिंग हो गया लस्ट। तो एक बारी वो फीलिंग में आ गया तो फिर विलिंग को रोकना मुश्किल है। एक बारी आपने, आजकल स्मार्टफोन है, ऐसा कोई चित्र अपने आप पॉपअप हो जाता है और आपने बार बार उस चित्र को देख लिया तो फीलिंग शुरू हो जाएगी, इसको मैं छूऊंगा तो कैसा लगेगा, इसको मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये चीज़ मिल गई तो क्या होगा, फीलिंग शुरू हो जाएगी। जब फीलिंग शुरू हो जाएगी तो विलिंगनेस आ जाएगी, वो लस्ट आ जाएगी। तो क्या करना है, कंटेम्पलेशन, जैसे ध्यान उस तरफ जा रहा है उसको ध्यान को डाइवर्ट करो, उस पर थिंकिंग ज़्यादा मत करो। जिस चीज़ को आपने ज़्यादा पकड़ लिया थिंकिंग में, उससे अटैचमेंट हो जाएगी और फिर वो क्या बन जाएगी, लस्ट बन जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, क्रोध आएगा, है ना। किसी भी चीज़ के बारे में, मैं किसी लड़की के बारे में नहीं कह रहा, कोई भी चीज़, आपको कोई एक चीज़ चाहिए, मुझे नया बाइक चाहिए जी, बस इसमें बहुत ज़्यादा सोचते रहे, बहुत ज़्यादा सोचते रहे, मुझे बाइक चाहिए 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 चाहिए, तो फीलिंग आ गई, ये हो गया तो मैं कैसे मार्केट में जाऊंगा, क्या छा जाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, ये वो, अब तो चाहिए ही चाहिए। आप घर वाले बोलेंगे नहीं देंगे तो भाई क्रोध आएगा, बंदा इरिटेशन चलता रहेगा। कोई भी चीज़ पे आप ज़्यादा कंटेम्पलेट करोगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, उसमें अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट से वो इच्छा में बल जाएगा। इसी को अगर आपने पॉजिटिव साइड में कर लिया, अगर आपने स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना कंटेम्पलेशन शुरू कर दिया, है ना, कि जैसे आज आपने सुना जब कैसे करना चाहिए, इस पर हमने कंटेम्पलेट शुरू कर दिया, है ना, इस पर मनन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फीलिंग आ जाएगी वैसे, और वैसे ही डिज़ायर हो जाएगी। साइकिल यही है, राइट। तो अगर हमने लस्ट को करना है, काबू करना है, तो पहला स्टेप क्या है कि वहीं कंटेम्पलेशन पे रोक दें उसको, ये हमारे हाथ में है। एक बारी कंटेम्पलेशन से आगे चले के बाद अटैचमेंट हो गया, फीलिंग की स्टेज में आ गई, तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है, साइकिल क्लियर है। तो एक बार लस्ट आ गया, फिर एंगर, गुस्सा आ जाए तो
आदमी अंधा हो जाता है, वो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, सारी मेमोरी इरेज हो गई, सारी नॉलेज खत्म हो गई, और बस नॉलेज खत्म हो गई, इंटेलिजेंस चली गई और फिर फिनिश। इसको और एक ढंग से समझ सकते हैं, लस्ट को कामदेव बोला जाता है। कामदेव ने देखा होगा, अपने फोटोग्राफ देखे होंगे, उसके पांच उनके पास तीर होते हैं, ये तो तीर बड़े नुकेले बनाए हैं, वो तीर बड़े फूलों के होते हैं, है ना, ये अगली बारी फूलों वाला दिखाएंगे आप। वो बोले फूलों वाला तीर हमें फूल बना के चला जाता है, इतना अट्रैक्टिव लगता है प्रपोजल कि हम बह जाते हैं, ओके, और हम खुद तीर को इनवाइट करते हैं, आओ मुझे मारो, है ना। तो क्या पांच तीर हैं, पढ़िए। When a man looks at a woman, then Cupid, Kamdev, standing nearby with his flower bow, immediately shoots an arrow called Mohana, meaning infatuation, delusion, or folly, which causes the man to be fascinated by the female form. ठीक है ना, ऐसे अपना दिल दे देते हैं तुरंत। जैसे एक देखा है जो हमें चीज अच्छी लगती है, कोई स्त्री को देखा हमने, तो क्या होगा, एक तीर छूटता है और वो तीर क्या कहलाता है, मोहन, मोहित हो जाते हैं, है ना, क्या तारीफ करूं मैं उसकी जिसने तुझे बनाया, है ना, ये चांद सा निखरा चेहरा, जुल्फ सी गहरी आंखें, क्या क्या है पता नहीं, क्या क्या गाने याद आ जाते हैं। तो बहुत पुराना गाना, आपने सुना भी नहीं होगा। तो मोहन मोहन हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है इसके बाद, क्या होता है, हुआ कभी आपके साथ मोहन हुआ कभी? नहीं हुआ, नहीं हुआ, होता रहता है। ओके, फिर मोहन के बाद क्या होता है आप बताइए, आप मोहित हो गए, एक बहुत सुंदर रूप दिखाई दिया, उन्होंने भी मुस्कुरा के आपको देखा, आपने भी मुस्कुरा के देखा, मोहन हो गया, फिर क्या होता है उसके बाद? इतनी नहीं, अभी ठहर जाओ। उसके बाद होता है स्तंभन, स्तंभ हो जाता है व्यक्ति, नींद आनी बंद हो जाती है, विचार आते हैं कहाँ से उसका फोन नंबर मिल जाए, क्या कैसे कांटेक्ट करूं, और कौन कौन साथ में है, है ना, कौन मेरी हेल्प कर सकते हैं, कौन मेरा अच्छा मित्र है, कैसे मीटिंग हो, सोचना शुरू कर देते हैं, है ना, बिल्कुल स्टंस द मैन, और कुछ याद नहीं आता, मम्मी कह रही बेटा खाना खा ले, और क्या खाना, कल एग्जाम है, हाँ हाँ पढ़ रहा हूँ, बस कैसे कौन सी कोचिंग क्लास में जाती है, कैसे करूँ ये करूँ, सोचता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना, ऐसा होता है, लोगों के मार्क्स गलत खराब हो जाते हैं, ग्रेड्स गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसके बारे में सोच ही जा रहे हैं, राइट। तो ये कहलाता है क्या, स्तंभन, ये दूसरा एरो है। तीसरा उन्मादन, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बिखर गए, ऐसा व्यक्ति घूमे है नशे में हो, घर वाले परेशान, क्या हो गया इसको, पहला क्या था, मोहन, दूसरा स्तंभन, तीसरा उन्मादन, पागल हो गया एकदम, नशे में घूम रहा है। फिर क्या होता है, शोषण, और पागल हो गया बस, बाय चांस बातचीत शुरू हो गई, आज व्हाट्सएप नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, क्या हुआ, शोषण हो गया एकदम, इंटेंस अट्रैक्शन, बस जहां देखो वही चेहरा दिखाई दे रहा है, इंटेंस अट्रैक्शन, और फिर अंत में क्या है, तापन, बस फिर तो क्या है, हृदय जल रहा है बस। सीने में जलन, आंखों में तूफान, इस शहर में हर शख्स परेशान। तो पहला तीर कौन सा है, मोहन, दूसरा स्तंभन, तीसरा उन्मादन, चौथा शोषण, पांचवा तापन, बचना इन पांचों से।
तो मोहित मत होइए। इसलिए भगवान का एक नाम है मनमोहन, भगवान हमारे मन को मोह लेते हैं। ओके, ये जो लस्ट है हमारा एटर्नल एनमी है। संतुष्ट हो गया तो लालच बढ़ती है, असंतुष्ट रहा तो गुस्सा, है ना। घर वाले परेशान होते, बड़ा गुस्सा हो रहा है आजकल, इसको हो क्या गया, इसको पता नहीं अभी मैं उन्मादन की स्टेज पे चल रहा हूँ या शोषण या तापन पे आ चुका हूँ, है ना। तो परेशान हो जाते हैं, हमें कुछ बताते हैं नहीं, बहुत गुस्से में आते हैं घर वाले, ऐसे ही आते हैं, इसको समझाओ। मैंने क्या समझाई, तो तापन की स्टेज में हो गया इसका काम। लेकिन आजकल लोग इतने बुरे हैं, एक बार एक हमारे मंदिर में एक माता जी आती है, अपनी बेटी को लेकर आती है, पूरी हालत उसकी, सर फैला हुआ, आंखें मुँह में, क्या है बोले, इसको समझाओ, पागल हो गई है क्या, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है बेचारी डिप्रेशन में जा रही है, बॉयफ्रेंड नहीं है। घर वाले बोलते तू बॉयफ्रेंड बना कुछ कर तू, इतनी बुरी हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है, संसार पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये तीनों चीजें हैं, लस्ट एंगर एंड ग्रीड, भगवान कहते हैं ये नरक के द्वार है। त्रिविधम नरक नरकेस्यम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्माद एतम त्रयम त्यजेत। ये तीनों के तीनों काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। पूरा संसार प्रभुपाद जी बता रहे हैं नरक जाने की तैयारी कर रहा है। चारों तरफ ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ऐसे ऐसी होर्डिंग्स हैं सोशल मीडिया में, सब कुछ ऐसे है, आपकी काम वासनाओं को बढ़ाया जा रहा है। अगर सीमेंट की भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें एक लड़की को दिखाया जा रहा है, और सरिया की भी एडवर्टाइजमेंट है, सरिया उसमें एक लड़की का वो फोटो दिया हुआ है। आप बताइए, आपकी काम वासनाओं को बढ़ाने के लिए, और जितनी काम वासनाएं बढ़ेंगी क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, और ये तीनों किसके द्वार हैं, नरक के द्वार है। आप सोचिए, और बोले हम संसार, बोले हम प्रगति कर रहे हैं, कहाँ जाने की प्रगति कर रहे हैं, नरक जाने की। सारा एजुकेशन सिस्टम देखिए, सब कुछ बचपन से को एजुकेशन शुरू हो जाता है। एक बार एक डॉक्टर के पास हम गए थे, तो एक स्कूल टीचर उसको दिखाने आई थी, वो बड़ी स्ट्रेस में थी। डॉक्टर कह रहे सारी तो रिपोर्ट्स आपकी ठीक है, दिक्कत क्या है, बहुत स्ट्रेस है। बोले किस चीज़ का स्ट्रेस है आपको, कहती मैं स्कूल टीचर हूँ। बोले कौन सी क्लास को पढ़ा था, बोली सेवन्थ क्लास को। तो क्या स्ट्रेस है, बोले इतना स्ट्रेस है बच्चे एक दूसरे को लव लेटर लिखते हैं क्लास के अंदर, बदतमीजियां करते हैं, रोक रोक के मेरे को समझते नहीं कुछ, मेरा मजाक उड़ाते हैं। सच्चाई की बात बता रहा हूँ, चल इतनी स्ट्रेस में आ गई हूँ, इतना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है सिस्टम पूरा। इसको एडवांसमेंट माना जा रहा है, जितना फ्रीडम दिया जा रहा है उतना उसको एडवांसमेंट माना जा रहा है। उतने लोग दुखी हो रहे हैं, कुछ लोभी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, आप इस एनवायरनमेंट से निकलना चाहते हो। कितने लोग इस एनवायरनमेंट से निकलना चाहते हैं, और कितने लोग खुद भी निकलना चाहते हैं और दूसरों को भी निकालना चाहते हैं। हाँ, ये सारा संसार बहुत, प्रभुपाद जी की पुस्तक है कि एक मैचलेस गिफ्ट, पढ़िए किसी ने, कृष्णा कॉन्शियसनेस द मैचलेस गिफ्ट, बहुत सुंदर पुस्तक है, पढ़िए उसको। उसके पहले पेज में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस पूरे संसार में एक भी सही व्यक्ति मिलना मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इवन वन सेन पर्सन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सारे के सारे इनसेन हैं, पागल हैं सारे, सब नरक की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। तो इसीलिए ये बचना है हमें और सबको बचाना है। और ये जो लस्ट है ऑल प्रवेसिव, सभी स्पीसीज में मिलेगा, सभी स्फीयर्स में। आज संसार की जितनी प्रॉब्लम है वो इस लस्ट के कारण है। चाहे आप टेररिज्म ले लो, लड़ाई झगड़े ले लो, डाइवोर्सेस ले लो, चोरी चकारी, रॉबरी, रेप्स, मर्डर्स, ये सब किसके कारण है, प्रेम नहीं है, क्या है, लस्ट है। सारी समस्या, और मेरे जीवन की सारी समस्या का कारण क्या है, लस्ट है। मैं भी समाज का हिस्सा हूं ना, अगर मैं दुखी हूं इसका मतलब क्या है, मेरे में लस्ट है। लस्ट मतलब मेरा हृदय इतनी इच्छाओं से भरा हुआ है जिसमें कृष्ण का कुछ लेने का देना नहीं है, मैं केवल अपने लिए चाहता हूं, मैं चाहता हूं, बस चाहता हूं ना, मैं मुझे चाहिए, खत्म। दुखी रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे, परमानेंट। पिछले जन्म में आप ऐसे थे, इस जन्म में भी ऐसे हो, अगले जन्म में भी ऐसे रहोगे। नारद मुनि जी बहुत अच्छा बताते हैं भागवतम में, हम जो इस जन्म में हैं अपने इस जन्म की मानसिकता को देखकर
बड़ा सही अनुमान लगा सकते हैं मेरा पिछला जन्म कैसे था, और इस जन्म के स्टेटस को देखकर हम अगला जन्म भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगले जन्म में भी ऐसा ही रहूंगा जब तक मैंने कुछ अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, ऐसा ही रहेगा, ये ऑटो साइकिल चलता ही रहेगा ऐसे। तो अभी हमें समझ में आ गई, अभी मैं दुखी हूँ क्यों, मेरी इतनी इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, पता नहीं पूरी होंगी नहीं होंगी, इसकी चिंता में बना रहता है, एंग्जाइटी रहती है, कोई थोड़ा सा बात करे गुस्सा आ जाता है, क्यों, अंदर एंग्जाइटीज एंग्जाइटीज है, सब लस्टी, ऑल लस्ट, राइट। सो अब ये जो हमारा शत्रु है कहाँ रहता है, इसको कैसे टैकल करना है, अभी तक हमने समस्या का चर्चा की, अब समाधान की चर्चा करते हैं। अब ये शत्रु ऐसा शत्रु है जिसको हम अपना मित्र मानते हैं, तो ये शत्रु और भी खतरनाक हो जाते हैं। आप में से कितने लोग होंगे ऐसे, आप ऐसे कई युवाओं से मिले होंगे जो बोलते हैं ज़्यादा यूथ फॉरम में नहीं आना भैया, ये हमारा सब कुछ छीन लेते हैं, है ना, ये हमारे जो अंदर बोले ये ना करो वो ना करो ऐसा ना करो वैसा ना करो, तो ये तो हमें साधु बना देंगे, है ना। तो मैं रोज मंदिर जाता हूँ, पुजारी के साथ प्रार्थना करता हूँ, पर कहीं इंसान से देवता ना बन जाऊँ इसलिए थोड़ा सा पाप भी करता हूँ ना, हम देवता बनने थोड़ी आए हैं यार यहाँ पे, अरे देवता थोड़ी बनना है, कुछ ना कुछ पाप तो करना ही चाहिए, ये पागलपन है। तो हमें ये जो शत्रु है वो मित्र लग रहा है ना, हम सोचते हैं ये हमें खुशियाँ देता है, थोड़ी बहुत चुस्कियाँ हम ले लेते हैं इधर उधर, तो ये चुस्की भी नहीं लेने देंगे हमें, है ना, थोड़े बहुत मैं इधर उधर मजे ले लेता हूँ वो भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यही प्रभुपाद जी लिखते थे, सो कॉल्ड हैप्पीनेस इज आवर एटर्नल एनिमी, कुछ क्षणों का जो हमें सुख हमें लगता है ना, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना, कुछ क्षणों का सुख जानते हुए भी ये गलत है, कुछ क्षणों का सुख हम जो लेते हैं ये हमारा एटर्नल एनिमी है, इतना जबरदस्त ये माया है, इतनी जबरदस्त माया हमें पकड़ के रखती है। ओके, तो ये शत्रु कहाँ रहता है, पहले जानना पड़ेगा शत्रु कहाँ रहता है, फिर स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी शत्रु को कैसे टैकल करना है, राइट। तो कहा गया है कि ये स्ट्रेटजिक पोजिशंस ले लिया इसने, और भगवान कृष्ण इसका हिंट देते हैं कहाँ का रहता है ये लस्ट, किसको मालूम है, हम सोचते हैं कि लस्ट उस स्त्री में है, हमें देखकर उसको देखकर किसी के हमारी लस्टी डिजायर्स आ रहे हैं, नया आईफोन देख के हमारे को लस्टी डिजायर्स आ रही हैं, ये लेना ही लेना मुझे, ये भी लस्ट है। हम सोचते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में लस्ट है, ऑब्जेक्ट में लस्ट नहीं है, लस्ट किसके अंदर है, मेरे अंदर है। एक ही सुंदर सी नारी है, उसको छोटा बच्चा कैसे देखेगा, माता जी के सामने देखेगा, उसको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक युवा व्यक्ति कैसे देखेगा, बहुत लस्टी है तो सारी मेरी लस्ट डिजायर पूरी कर सकती है, और एक कुत्ता कैसे देखेगा कुत्ते को कोई लस्ट थोड़ी जाएगा, उसको बोले काटता हूँ इसको भी मैं, चाहे ऐश्वर्या राय आ जाए कोई भी आए उसने तो काटना ही ऑब्जेक्ट एक ही है, तो सारे हमारे मन स्थिति पर निर्भर करता है। तो लस्ट बाहर नहीं है, लस्ट कहाँ है, हमारे अंदर है, और कहाँ कहाँ रहती है, तीन स्थानों पर रहती है, हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में। ओके, इंद्रियां ये सिटिंग प्लेसेस हैं, माइंड इंटेलिजेंस एंड सेंसेस आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ द लस्ट, थ्रू देम द लस्ट कवर्स द रियल नॉलेज ऑफ द लिविंग एनर्जी एंड बिल्डर सेम, है ना, कैसे होता है, ऐसे होता है, है ना, सब इंद्रियां खींच रही हैं, आंखें बोलते हैं यहाँ आओ, पेट यहाँ, सब चारों तरफ से हम खींचे जा रहे हैं। तो ये एक हमारी कथा उपनिषद में बहुत सुंदर ये एनालॉजी दी जाती है रथ की, पांच घोड़े क्या हैं, पांच इंद्रियां, कौन सी पांच इंद्रियां होती हैं, आंख नाक कान जीवा और स्किन। ओके, ये लगाम क्या है, लगाम है माइंड, और ये ड्राइवर कौन है, बुद्धि, और ये पैसेंजर कौन है, आत्मा। अभी लगाम कैसी है, ढीली है, मन ढीला छोड़ा हुआ है, घोड़े क्या हैं, अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं, आत्मा बेचारा बड़ा कंफ्यूज्ड है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, मुझे जाना कहाँ था, ले कहाँ जा रहे हूँ। ओके,
तो अगर इंद्रियों को संयमित करना है, इंद्रियां कैसी हैं देखिए, सारे घोड़े कैसे हैं, इधर उधर भी जा रहे हैं, घोड़ों की आंखें देखो बहुत भयभीत हैं, डरी हुए हैं, तो इंद्रियां में संतुष्ट हैं नहीं अपनी मनमानी करके। मन ने बोला जहां जाना है भागो, मैं खुली छूट देता हूं, इधर उधर भाग भी रहे हैं तो बेचारे संतुष्ट नहीं है। ड्राइवर भी परेशान, पैसेंजर भी परेशान, घोड़े भी परेशान, हर कोई परेशान, यानी कि सेंसेस इधर उधर भाग रही हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसके कई उदाहरण दिए गए हैं, मछली कैसे फंसती है, अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए मछली का कुछ डालो तो फंस जाती है। पतंगा कैसे फंसता है, देखने के लिए, हम अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं तो पतंगा अग्नि में जल जाता है। इसी ढंग से पढ़िए प्लीज, पीछे से पढ़िए, जो पीछे से पढ़े किसी ने नहीं पढ़ा। Likewise, a lusty man certainly loses his discrimination and acts sinfully, preparing a ghastly future for himself. हाँ, तो जो जिस व्यक्ति के अंदर लस्ट आ गया तो वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी विवेक बुद्धि खो बैठता है। शास्त्रों में कथा आती है शौबरी मुनि की, शौबरी मुनि कथा सुनी है आपने, शौबरी मुनि इतने बड़े योगी थे, पानी के अंदर चले गए थे तपस्या करने, या बाहर रहता हूँ लुधियाना में तो बड़े इधर उधर की चीज़ें दिखाई देती हैं, चलो मैं पानी में हरिद्वार जाता हूँ, पानी के अंदर चले गए वो तपस्या करने, कई साल तपस्या की पानी के अंदर रह के, योगिक शक्तियाँ थी उनके अंदर, अचानक उनको क्या दिखाई दिया कि दो मछलियाँ आपस में संग कर रही हैं, बस मछलियों को देखा संग करते हुए, कंटेम्पलेशन शुरू हो गया, अरे कितना आनंद ले रहे हैं, मैं पागल हूँ यहाँ अंदर बैठा हूँ पानी के अंदर, मस्ती ले रहे हैं यार ये, तो मछलियाँ होते हुए मस्ती ले रहे हैं, मैं क्या पागल हूँ, चलो बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल गए, इतना लस्ट बढ़ गया, योगी भी थे, वहाँ के राजा के पास चले गए, उस राजा की 50 बेटियाँ थी, दाढ़ी बड़ी हुई, सालों सालों से नहाए धोए नहीं, जटाएँ बड़े हुए एकदम, चले गए जी मुझे शादी करनी है आपकी बेटियों से, आप कहाँ से आ गए भैया, तुम ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए राजकुमारियों से शादी करनी है, राजा ने बोला मना करूँगा तो श्राप दे देगा, तो राजा ने बोला मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो लड़कियाँ कोई कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों ने देखा दरवाजे बंद कर लिए, सब भागे डर के अंदर, तो शौबरी मुनि समझ गया अच्छा मेरे को पसंद नहीं कर रहे, अभी ठहरो। शौबरी मुनि के पास योगिक शक्तियाँ थी, अपने आप को इतना सुंदर बना दिया, एकदम युवा बना दिया, फर्स्ट क्लास, फिर आया सामने, सब 50 राजकुमारी ने दरवाजे खोले, अरे सब लड़ाई चल, नहीं मैं से शादी करूँगी, मैं करूँगी, मैं करूँगी, सब ने बोला चिंता मत करो मैं सबसे कर लूँगा। नहीं योगिक शक्तियाँ थी, उसके पास 50 से शादी कर ली उसने, खूब इन तिप्ते की, बाद में उसको लगा ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि लस्ट ऐसा है, इस अग्नि में जितना घी डालो, जितनी इच्छा पूरी करो, ये और बढ़ती जाती है। भागवतम में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, इसी ढंग से याति महाराज की कहानी है, सुनिए आपने याति महाराज की कहानी। याति महाराज ने उनको श्राप दे दिया था शुक्राचार्य ने, तुम बूढ़े हो जाओगे, और बूढ़े हो गए वो, और वो बेचारे इतने डेस्परेट थे भोग करने के लिए, अपने बेटों से यौवन एक्सचेंज कर लिया कि बेटा मुझे मेरे अंदर काम वासना है, मैं भोगना चाहता हूँ, और बेटे इतने आगे करते ठीक है पिताजी आप युवा बन जाइए मैं बूढ़ा बन जाता हूँ, आप चलो आप भोग कर लो, और उनको वो यौवन मिल गया और 1000 वर्षों तक वो लगे रहे, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर उनको लगा मेरी हालत एक बकरे जैसी है, लस्टी गोट है ना, कुछ नहीं है। भागवतम ये सारी कहानियाँ इसलिए हैं, हम तो छोटे छोटे सुख में आसक्त हो जाते हैं, बड़े बड़े महाराजा इतने बड़े बड़े सुख मिले उनको तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए। महाभारत में वर्णन आता है कि अगर आपको पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया जाए और पूरी पृथ्वी में जितनी भोग की वस्तुएं केवल आपके लिए, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई स्केयरसिटी नहीं है, तब भी आप खुश नहीं रह सकते, कोई आपको चैलेंज नहीं है, जो आप चाहते हैं तुरंत हो जाएगा, जैसा भोग करना चाहते हैं वैसा मिल जाएगा, संसार की सारी सुंदर स्त्रियां आपके लिए, सारे खाने के पदार्थ आपके लिए, अनलिमिटेड आपके पास डाइजेस्टिव पावर है, अनलिमिटेड आपके पास सेक्सुअल पोटेंशियल है, जो चाहिए आपको मिल रहा है, जो चूचा कहते हैं आप कर सकते हो, और अकेले आप व्यक्ति हो, हर कुछ आपके कमांड में नाच रहा है, तब भी आप खुश नहीं रह सकते। ये लस्ट ऐसा है, जितना मर्जी इसको फुलफिल कर लो ये हमेशा अतृप्त रहेगा।
तो शौबरी मुनि की ये हालत हुई। इसी ढंग से हम देखते हैं विश्वामित्र जी भी, है ना। विश्वामित्र जी हजारों साल तपस्या करते रहे, क्या सुनाई दिया उनको? बस पायल की आवाज में दिखाई भी नहीं दिया, टन ठन छन। सोचा कोई स्त्री होगी, अरे कोई स्त्री होगी, बस सोचना शुरू कर दिया और फिर उनका फॉल डाउन हुआ। तो ये इंद्रियां, जो व्यक्ति बहुत तपस्या भी कर रहा है उसके लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल है। तो जो लस्ट है हमारी इंद्रियों में रहता है, दूसरा लस्ट रहता है हमारे मन में, है ना। इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन। अगर अपने इंद्रियों को संयमित कर भी लिया जबरदस्ती, मन के अंदर विचार आने शुरू हो जाएंगे। हमारे कई जन्मों के संस्कार हैं, अचानक पुरानी यादें याद आ जाती हैं, कुछ दृश्य याद आ जाते हैं, हम उस पर कंटेम्पलेट करना शुरू कर देते हैं और फिर अपनी इंद्रियों को हम रोक नहीं पाते। ये हम सबके साथ समस्या होती है। तो मन के अंदर लस्ट है, और सबसे खतरनाक है जब लस्ट इंटेलिजेंस में आ जाता है। जब लस्टी इंटेलिजेंस हो जाती है तो बहुत बुरी हालत है। फिर तो व्यक्ति सारी की सारी प्लानिंग इसी ढंग से करता है, कैसे मैंने इस लस्ट को संतुष्ट करना है जो मेरे मन में है और इंद्रियों में है। उसकी बुद्धि खराब होगी, समझ लो फिर तो, तब उसका फॉल डाउन निश्चित है। तो कैसे इनको टैकल किया जाए? ये उसकी हालत है। जैसे क्या है ये कैमल, क्या खा रहा है? बड़ा खुश है, कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया गरम गरम खून मिल रहा है मुझे। किसका खून है? लेकिन वो अपना ही है। आपको मालूम है अगर हम एक सीमेन की ड्रॉप में कितने खून की बूंदें जाती हैं? 60 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड मेक वन ड्रॉप ऑफ सीमेन। और आजकल स्कूलों में आपको दिया जा रहा है सेक्स एजुकेशन कुछ है? हुआ था, क्या बताया था आपको उसमें? हैं, क्या उल्टा बताया था? हैं, हाँ, तो हम गए थे किसी स्कूल में, वहाँ बताया, हम ऐसा सेमिनार दे रहे थे, बोला नहीं हमें तो भी ये बताया, हमें तो ये बताया है कि जितना आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्यों रोक रहे हो अपने आप को, रिलीज करो। बोले आप जीभ को बोलते हो, देखते हो कितने सेकंड आपने बोला, कोई नोट करते हो? जीभ यूज़ करते हो, शरीर के कोई अंग यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मास्टरबेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है ये तो। स्टे विद द नेचर, जो आपके इमोशंस उसको रिलीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टे हेल्दी, ऐसे बड़े खुश रहोगे। ऐसी एजुकेशन दी जा रही है, तो जो हमारे विज्ञान वेद बता रहे हैं उसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और खुलेआम ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे संसार में लोग सुखी रह सकते हैं? तो वैसे बिल्कुल वही हालत है, जो कैमल है वो कांटे खा रहा है और अपने खून को पी रहा है। डोंट माइंड, मैं बिल्कुल फ्रेंकली ये बात कर रहा हूँ, बट स्कूलों में ऐसा बताया जा रहा है आजकल, आप तरह तरह की मैगजीन्स भी पढ़ेंगे उसमें भी यही प्रोपोगंडा है। तो हमें लगता है यही बातें सच हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत विपरीत ज्ञान दिया जा रहा है। ओके, तो वैसे ही है अग्नि में घी के समान। तो भगवान बताते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है, क्या सोल्यूशन है, पढ़िए प्लीज। Therefore, O Arjuna, best of the Bharat, in the every beginning karma, this great symbol of sin lust, by regulating the senses and slay this and destroy of a knowledge and the self realization. तो शुरुआत में ही हमने इस लस्ट को, जो कि हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, जो हमारे ज्ञान को समाप्त कर देता है, इसको जीतना है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। पढ़िए प्लीज, जोर से पढ़िए यहाँ से। तो ये लस्ट जो है प्रेम का विकृत रूप है, और ये प्रेम है हर जीव के अंदर स्वाभाविक है। तो शुरू से ही पढ़िए प्लीज जोर से। But if one is educated in Krishna consciousness from the every beginning, that natural love of God cannot divert into lust. तो यहाँ पे जितने सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, कितनी एज है आपकी? 13 वर्ष। बहुत बड़े हो गए बच्चे आप। गुड, वेलकम। इनसे छोटे भी कोई हैं? ओके,
प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, कब से भक्ति शुरू करनी चाहिए? 5 वर्ष की उम्र से, है ना। क्यों? उसका ये फायदा होता है, शुरुआत में ही हम भक्ति में जुड़ जाएंगे तो हमारा जो प्रेम है वो लस्ट में बदल नहीं पाएगा, और जो हमारे पूर्व जन्मों के भी उल्टे सीधे संस्कार हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी अच्छे हैं, 13 साल की उम्र में आ रहे हैं, वेरी गुड। जब प्रेम लस्ट में बदल जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू उसको वापस लाएं। जब दूध दही में बन गया तो दही को दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर हम लेट भी जुड़े हैं लेकिन भक्ति को अच्छे ढंग से करेंगे तो हम दही को दोबारा दूध बना सकते हैं, हम लस्ट को लव बना सकते हैं। आप में से कितने लोग लस्ट को प्रेम बनाना चाहेंगे? पक्का? ओके, तो ये अच्छा ढंग से हम समझ लेते हैं। ये हो गया, जैसे हम शुद्ध हैं, पानी का जल नीचे गिरता है तो दूषित हो जाता है। तो प्रॉब्लम इज लस्ट, सॉल्यूशन इज आल्सो लस्ट। ये क्या बात हुई भाई? ये तो धोखे वाली बात हो गई। यस, तो लस्ट क्या है, ध्यान से पढ़िए। एल फॉर लव कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम करना सीखना है। ये हमारे जो मंदिर हैं ये हमें प्रेम करना सिखाते हैं। किससे? कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से। कैसे प्रेम कर सकते हैं? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, प्रेयर्स। ये जो कैंप कर रहे हैं, हमेशा भक्तों के संग में रहिए, खूब चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जानते हैं हरिदास ठाकुर जी के पास साक्षात माया देवी आई थी, जानते हैं ना, स्टोरी सुनी हुई आपने। और हरिदास ठाकुर चैंटिंग करते रहे और 3 दिन माया देवी आती रही, और हरिदास ठाकुर जी की चैंटिंग को सुन के माया देवी ने उनसे दीक्षा ले ली। आप बोले प्रभुजी अच्छा मैं भी ऐसा ही करूँगा। हम नकल नहीं मार सकते, लेकिन ये दिखाता है कि हरि नाम में इतनी शक्ति है। तो भगवान से हम प्रेम करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप बड़े उत्साह से कीजिए, डेली कीजिए, और ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कीजिए। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यानपूर्वक जप करते हैं, भगवान हमारे कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। जब कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र लस्ट को टॉर्चर करता है। हमारी सारी जो लस्ट है, सारी उल्टी सीधी जो इच्छाएं हैं, वो बिल्कुल जला के राख कर देते हैं हरि नाम। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस लस्ट को जीतना, माया को जीतना आसान नहीं है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, सॉल्यूशन क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। पहली लाइन में प्रॉब्लम है, दूसरी लाइन में सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए, लाइफ में अगर हमेशा आनंद में रहना है, उत्साहित रहना है, तो ध्यान से सुनिए, चॉइस हमारे पास है, वी वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और वी वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। किस में होना चाहिए? वी शुड बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और वी शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन। आप ये बोलते रहे पाऊ जी माया बहुत स्ट्रांग है, माया बहुत स्ट्रांग है, मैं क्या करूँ, मुझे तो फिसलना ही था। एक व्यक्ति था तो कह रहा है यार आज तो फिसलना ही पड़ेगा, क्यों, केले का छिलका दिख गया। ऐसी हमारी हालत है, क्या करूं यार, स्मार्टफोन है तो करना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, फिसलना ही पड़ेगा, मेरा थोड़ी दोष है। नहीं नहीं नहीं, माया बड़ी स्ट्रांग है प्रभु जी, क्या करें, हम तो फिसल ही जाते हैं। ये बहाना नहीं चलेगा। पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आएगा वो बच जाएगा। माम का मतलब क्या है? भगवान का नाम। तो जब भी दिक्कत आ रही हो, आपको उल्टे सीधे विचार सिता रहे हो, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी को एक शिष्य ने लेटर लिखा, प्रभुपाद मुझे लस्टी डिजायर्स बहुत सताती हैं। प्रभुपाद ने जवाब दिया, जस्ट थिंक अबाउट माई इंस्ट्रक्शंस, आई विल किक द माया विद माई बूट्स। मेरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचो, मैं माया को जूते मार के भगा दूंगा। वास्तव में, और कुछ भी हो, शायद आपको पास्ट टाइम सुनाया था मैंने, गिरिराज महाराज जी का पास्ट टाइम सुनाया था ना, कितने लोगों ने सुना था?
गिरिराज महाराज बॉम्बे में थे, तो गाड़ी में जा रहे थे, साथ में उनके एक शत्रु बैठे थे कोई, उस गाड़ी में वैश्य घुस गए और गिरिराज महाराज जी को उल्टा सीधा सिड्यूस करने लगे, और महाराज ऐसी स्थिति में थे, फंस गए थे, कहीं निकल नहीं सकते थे, आंखें बंद की और खूब जोर से प्रार्थनाएं की, और भगवान उस वैश्य के हृदय में भी थे, उस वैश्य का भी हृदय बदला और वहां से भी भाग गए। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हमारे को भगवान ने फ्री विल दी है। कई बार हम सोचते हैं कि वेग इतना प्रबल आया, प्रभु जी मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं रोक नहीं सकता था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास चॉइस हमारे पास हमेशा रहेगी। हमने चूज कर रहे हैं माया और कृष्ण, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, हमेशा हमारे पास चॉइस है। तो हमने हमेशा सॉल्यूशन को चुनना है। तो कैसे चुनना है? हम प्रभुपाद को पुकार सकते हैं, गौरांग महाप्रभु को पुकार सकते हैं, नित्यानंद प्रभु को पुकार सकते हैं, कृष्ण को पुकार सकते हैं। जैसे पुकारेंगे वो तुरंत आते हैं, हमारी सेवा करते हैं। गौरांग महाप्रभु और गौरांग में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम भगवान को जोर से पुकारते हैं, उनकी शरण लेते हैं, हमारे को शक्ति मिलती है और माया भाग जाएगी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और ऐसी इमरजेंसी की हालत आए ना, ऐसे उल्टी ऐसा वेग हमें ना ही आए, तो क्या करें? रोज सुबह जल्दी उठें, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करें। जो लोग 16 माला से ज़्यादा कर सकते हैं, 16 माला से भी ज़्यादा करें ना। चैंटिंग में बहुत शक्ति है। प्रभुपाद कहते हैं जो भी हरि नाम को ध्यान पूर्वक जप कर रहा है वो इस अट्रैक्शन से हमेशा अपने आप को बचा के रख सकता है, और जो ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा वो कभी भी अट्रैक्शन में फंस सकता है। इससे सावधान, राइट? पहला। दूसरा है डांसिंग, खूब नाचिए। हम सब क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं, हम सब आनंद चाहते हैं, और वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस में जितना आनंद है किसी में नहीं है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है जब से आप इस कॉन में आना शुरू हुए हैं आपका आनंद बढ़ गया है? यस, बाहर बड़ी बड़ी मूवीज भी देख लें, कुछ भी कर लें, अब इच्छा नहीं होती है ना? क्यों? यहाँ हम नाचते हैं। पहले कभी इतना नाचे थे आप? यहाँ तो सुबह 4:30 देखना, कल आप नाचना शुरू कर दोगे। लोग पागल हो, 4:30 नाच रहे? हाँ नाच रहे हैं 4:30। रात को भी फिर नाचोगे, अभी देखना। उठते ही नाचना, सोते नाचते नाचते सोना, क्या बात है। चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग, कितना आनंद है। और साथ में प्रेयर्स, हमेशा प्रार्थना करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि मैं कभी भी आपको ना भूलूं। क्योंकि जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं माया हमें झपट के पकड़ लेती है। भगवान को कभी नहीं भूलना, तो ये भगवान से हमेशा हम प्रार्थना करते रहे। तो ये हुआ एल, एल फॉर लव। ओके, सॉल्यूशन इज लस्ट, उसका जो लव है वो क्या है? एल इज फॉर लव, कृष्णा एंड हिज डिवोटीज, राइट। एस, सॉरी, यू, यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्चर्स डीपली। भगवद्गीता, भागवतम, इन ग्रंथों को गहराई से पढ़िए, सुनिए। क्या होगा? शास्त्रों को पढ़ने से क्या होगा, समझने से क्या होगा? बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। बुद्धि क्या है? ड्राइवर। बुद्धि के हाथ में क्या है? मन, उसको लगाम को वो खींच लेगा, तो सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्चर्स वेरी डीपली। फिर क्या है? एस, एस का मतलब है स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशंस, एंड दूसरा एस मीन्स एंगेज द सेंसेस इन सर्विसेज। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स का कम से कम यूज कीजिए, स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशंस। सोशल मीडिया में ज़्यादा मत घुसिए। फास्टिंग फ्रॉम स्मार्टफोन, एकादशी का मतलब क्या होगा? दिन में कुछ ना कुछ घंटे फास्टिंग कीजिए स्मार्टफोन से। कोई करता है स्मार्टफोन फास्टिंग? माला के टाइम पे करते हैं। यस, एटलीस्ट माला के टाइम तो कीजिए, और भी टाइम निकालिए। ये स्मार्टफोन हमें बिल्कुल बेवकूफ़ बना देते हैं। 18-18 घंटे लोग लगे रहते हैं, आंखें भेंगे बन गए। सही में इतनी उल्टी सीधी बीमारियां हो गई, दिमाग खराब हो गया। तो इस बहुत बड़ा एडिक्शन है ये, वो हमारी लस्ट को और बढ़ाता है। सो स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशंस। हर किसी को मालूम होना चाहिए मेरा डेंजर जोन कौन सा है, कि मैं अपने डेंजर जोन में जाने वाला हूँ। तो
तो ऐसे एरिया से, ऐसी परिस्थितियों से हम अपने आप को बचाएं, अपने प्रति ईमानदार रहें, राइट। और तीसरा फिर क्या करें, खाली थोड़ी बैठेंगे, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं। मंदिर में आए, मंदिर में आश्रय गिरिराज प्रभु से कहें, प्रभु जी कोई सेवा में लगाइए हमें, है ना। और इनके पास खूब सेवाएं हैं। सबसे अच्छी सेवा क्या है, अपने साथ के और लड़कों को लेकर आओ, उनको कन्विंस करो, उनको किताबें बांटो, उनको मंदिर में लेके आओ, उनको बोलो तू जो ढूंढ रहा है, जो खुशी ढूंढ रहा है वो खुशी यहाँ मिलेगी। खूब सेवा करो, प्लानिंग करो कैसे आगे प्रचार को बढ़ाना है, ठीक है ना। आप लोग सब यंग हो, इंटेलिजेंट हो, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाओ, राइट। उससे आप भी खुश रहोगे और दुनिया भी खुश रहेगी। तो एस इज फॉर स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशंस, और सेंसेस को सेवा में एंगेज करो। टी क्या, कोई गेस करेगा, टी मीन्स व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है सारा फॉर्मूला। टाइम यूटिलाइजेशन, खाली ना बैठो बस, एम्प्टी। जो हमारा खाली टाइम है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। टाइम को यूटिलाइज करो, कीप योर सेल्फ बिजी ऑलवेज। कंस्ट्रक्टिव कार्य में हमेशा बिजी रखो, है ना। इतनी सेवाएं रखो, इतनी योजनाएं बनाओ, इतना रीडिंग करो, चैंटिंग करो, कुछ भी करो, खाली नहीं बैठना। ओके, जैसे ही खाली बैठोगे उल्टे सीधे विचार आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो ये था हमारा प्रॉब्लम्स, इसको टैकल करने का। इट्स वेरी बिग टॉपिक, अलग अलग इसको एंगल से हम देख सकते हैं। तो आज यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? यस यस। थैंक यू। ठीक है, लेकिन सावधान रहना चाहिए, है ना, सावधान। क्योंकि ये सब करते करते भी हमें नहीं मालूम, अचानक से ये लोग इतना हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, ये व्हाट्सएप और ये सब, अचानक से कुछ भी पॉपअप हो जाते हैं, है ना। रामायण में कथा आती है कि एक संत थे, साधु, बहुत तपस्या कर रहे थे जंगल में। इंद्र को लगा ये तपस्या कर रहा है, मेरी पदवी छिन जाएगी, है ना। तो इंद्र ने क्या किया, कैसे मैं इसका फॉल डाउन करवाऊँ। बोले ऐसा ऋषि है, अप्सरा से भी इसका फॉल डाउन नहीं होगा, क्या किया जाए। तो इंद्र एक राजा बन के गए, साधारण से प्रणाम किया, मुनिवर प्रणाम। बोले मैं अभी बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं अपनी तलवार आपके यहाँ रख सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। रख दो कोई बात, तलवार ही तो मैं रख दो कोई बात नहीं। चले गए, वापिस ही नहीं आए। काफ़ी दिन तक वो तपस्या में, तलवार पड़ी है, मुझे क्या लेना, आके ले जाएगा। काफ़ी दिन बीत गए, एक दिन अचानक मैंने देखो तो यार है क्या ये, निकाला, बड़ी अच्छी तलवार थी, बहुत बढ़िया, वाह, रखना शुरू कर दिया। पहले तो अंदर थी, बाहर निकाल के रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे देखना शुरू कर दिया क्या क्या है। फिर बोला है क्या, चलाया, खड़ा रही, काटना है, काटती है, वाह बढ़िया, धाड़ 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 कटाई शुरू कर दी, सारे पेड़ काट दिए, इतने पाप कर दिए अपनी तपस्या से, वो गिर गया। ऐसा ही होता है, हमारे एक गैजेट है, बहुत ज़्यादा गैजेट्स के पास रहोगे तो बुद्धि कभी भी खराब हो सकती है ना। लिमिटेड यूज, लिमिटेड यूज कर। हाँ, कौन परेशान हो जाते हैं? नहीं, लोग कहते हैं ना कि, कौन से लोग कहते हैं? फैमिली में, फैमिली में, रिश्तेदार में, शास्त्र पढ़ो, बस पढ़ो, पर डीपली ना जाओ। तो डीपली किस में जाऊं? पूछो उनसे, कहीं तो गहराई में जाना है मुझे, बताओ किस, कौन सी गहराइयों में जाऊं?
आप कौन सी गहराइयों में, पूछो उनसे। आप भी चाहते मैं भी उन गहराइयों में जाऊं? वहां अंधकार ही अंधकार है, तो मैं उन गहराइयों में नहीं जाऊंगा, मैं भगवान के धाम जाना है ना। तो लोग तो बोलते हैं, लोगों का काम है कहना, ठीक है। यस, जैसे जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं वही बुक्स की एज इट इज अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू अगर देख लें और बुक्स ना पढ़ें और वही एक्सप्लेनेशन जो उसमें है एज इट इज मतलब किसी स्पीच में सुन लें तो मतलब कर सकते हैं वो चीज़। प्रभु जी का प्रश्न है कि हम बुक्स ना पढ़ें, वही का वही बुक हम सुन लें या कोई हमें वीडियो में एक्सप्लेन कर दे तो ज़्यादा एंटरटेनिंग है, ज़्यादा एब्जॉर्बिंग है, तो पढ़ना जरूरी है क्या? यस, ये भी एक माया की चाल होती है। माया बहुत तरीके से लुभाती है हमें, है ना। तो धीरे धीरे वीडियो देख रहे हो, फिर दूसरे वीडियो भी शुरू हो जाते हैं, ये नेचुरल है ना। इतने ऑप्शंस हमें हमारे आप पास आ जाते हैं, अचानक हमसे क्या क्लिक हो जाए, हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए बुक्स, शास्त्र का अध्ययन हमेशा आवश्यक है। ये स्वाध्याय है, जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद जी का इंटीमेट एसोसिएशन कर रहे हैं प्रभुपाद जी के साथ, तो वो सीधा हमारे हृदय को छूता है। तो अगर आप सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, गलत नहीं है, लिमिटेड टाइम के लिए वो कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट रिप्लेस आवर स्क्रिप्चुरल रीडिंग, बुक्स रीडिंग शुड नॉट रिप्लेस इट, ठीक है ना। टाइमिंग के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो बुक्स हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं लेक्चर ही सुन लें। ऑडियो बुक में इतना फोकस नहीं होगा, आप उसको हाईलाइट नहीं कर सकते, उस पर कुछ मार्क नहीं कर सकते। बुक्स में आप हाईलाइट कर सकते हो, उस पर कुछ मार्किंग कर सकते हो, उसको दोबारा रेफर कर सकते हो, है ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा बन जाती है। ओके, यस, हाँ, जो जंप नहीं कर सकता वानप्रस्थ को, उसको इस वे में जाना चाहिए, तो प्रभु जी को फिर कैसे ओवरकम करेंगे? सब लोग बातें मत करें प्लीज, हरे कृष्णा डोंट टॉक। सुनिए, इनका प्रश्न सुना आपने नहीं, क्योंकि हर एक का प्रश्न मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, हर एक प्रश्न से हमें सीखने को मिलता है। तो इनका प्रश्न ये है कि अगर लस्ट को सेटिस्फाई करने से लालच बढ़ती है तो फिर लोग गृहस्थ आश्रम में क्यों जाते हैं? गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो उनकी लस्ट तो संतुष्ट होगी नहीं, तो फिर वो आगे फिर उनका लस्ट बढ़ेगा ही पड़ेगा। तो गृहस्थ आश्रम हमारे लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। अगर आप इस उम्मीद से जा रहे हो तो फिर तो ऐसे ही होगा, संतुष्ट नहीं होंगे। गृहस्थ आश्रम में हम जाते हैं रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट, रेगुलेशन है उसमें, आपको मैथुन की सुविधा दी गई है ओनली फॉर रिप्रोड्यूसिंग चाइल्ड, संतान उत्पत्ति के लिए, बस इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। अगर इंद्र तृप्ति के लिए आप मैथुन कर रहे हैं तो उसका आपको रिएक्शन मिलेगा, उसका रिएक्शन है। ओके, इसलिए वो गृहस्थ आश्रम है। जो इंद्र तृप्ति के लिए विवाह करते हैं वो ग्रह मेदी है। ओके, तो इस ढंग से आश्रम का मतलब ही है रेगुलेटेड लाइफ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। धर्म विरुद्धो कामोस्मि, भगवान कहते हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूँ, लेकिन आप इलिसिट तरीके से करोगे तो मैं काम नहीं है। काम गलत नहीं है, इस संसार में आए हैं तो किसी के अंदर काम वासना है, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, भगवान के लिए कृष्ण कॉन्शियस बच्चों की उत्पत्ति करके, बस केवल इसके लिए। यस, ये पूरे कृष्ण कॉन्शियस फॉलो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो उसमें होगा। फॉर सम पीपल
कंटेम्पलेशन की स्टेज पे रोक देना चाहिए, लेकिन कंटेम्पलेशन में रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो क्या करें? अच्छा प्रश्न है। भाग के आओ भक्तों के संग में, भक्तों को पुकारो, भक्तों से मदद लो, भक्तों के संग में आ जाओ, चैंटिंग डांसिंग शुरू कर दो, प्रेयर्स शुरू करो, किसी मित्र को फोन कर दो, यू नो, टेक हेल्प फ्रॉम डिवोटीज। अकेले में शक्ति नहीं है, राइट? जोर जोर से प्रभुपाद जी को पुकारो, गौरांग महाप्रभु को पुकारो, वो आपको हिम्मत देंगे। यस राघव। प्रभु जी, जैसे हमने इस सारे सेशन में देखा कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें पहले गुस्सा आता है, बाद में हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हम फॉल करते हैं, वो तो होगी कि ये हमारे साथ होता है। इसका मतलब जैसे ना, मैंने कई लोगों से सुना है कि ऐसा करो तो पाप लगेगा, तो ये वो कुछ होता है, तो होता है ऐसा कुछ कि स्पिरिचुअल लाइफ भी हमारी ख़राब हो सकती है इसमें, या कुछ हम मतलब पाप वगैरह ही कुछ लगता है, ऐसा कुछ होता है? आप प्रश्न है, कोई गलत काम करेंगे तो पाप लगेगा? ये मतलब लस्ट के रिलेटेड। और क्या, कुछ भी, कोई भी एक्शन करोगे, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो कुछ भी काम करोगे उसका रिएक्शन लगेगा। गुस्से में भी कर तो गलत काम किया तो लगेगा, यानी मैं गुस्सा आ गया मैं क्या करता, नहीं, उसका रिएक्शन मिलेगा। आप नहीं, एक्चुअली मेरा पर्टिकुलर मतलब है कि वो कि जैसे मतलब सिंपल वर्ड में हो कि कोई ऐसे मैस्टरबेट कर रहा है, उसके रिलेटेड कुछ कि कोई मतलब बोलता है कि हाँ ऐसे पाप वगैरह लगता होता है, क्योंकि एक टाइम आ जाता है कि बंदा करता रहता है, वो खुद को भी लगता है कि नहीं गलत है ये, ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चीज गलत है? और क्या, जो चीज शास्त्रों के अनुसार नहीं है वो पाप है, उस पाप का रिएक्शन मिलता है, वो रिएक्शन आपको फिजिकल लेवल पे भी मिलेगा, मेंटल लेवल पे भी मिलेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे भी मिलता है। यस मैम। आपने खुद ही सोल्यूशन बता दिया, ब्रह्मचारी बन जाओ। आपने सोल्यूशन ही बता दिया। क्या दिक्कत है? चैंटिंग करो, भक्तों के संग में रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, यू आर ऑन द राइट पाथ। यस प्रभु। जैसे आपने बताया कि अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखेंगे तो वो लव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैसे ही हम अपने कार्य के अंदर कृष्ण को सेंटर में कैसे रखना चाहिए? कैसे? हाँ, अपने हर कार्य में कृष्ण को कैसे सेंटर में रखें? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जो भी आप कार्य कर रहे हो तो अपने आप को याद दिलाओ, कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, हर कारणों के कारण कृष्ण है। मेरे को जो मेरे पास जो बुद्धि है, जो शक्ति है, इसके कारण भी कौन है? कृष्ण है। तो इस अपनी शक्ति से, बुद्धि से मैं जो भी कार्य करूँगा, किसकी संतुष्टि के लिए होना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। मैं खूब पढ़ाई करना चाहता हूँ, किसकी संतुष्टि के लिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। ये पेड़ की जड़ में पानी डालूंगा, बस कृष्ण ही सब चीज़ की जड़ है, तो उनकी जड़ में मैंने पानी डालना है, तो ये याद रखें। और खाली कहना भी नहीं है, करना भी है, उसका जो रिजल्ट है उस पूर्ण रूप से उसको कृष्ण को देना है, तो फिर हम संतुष्ट रहेंगे, है ना? इतने बिजनेसमैन हैं, खूब बिजनेस करते हैं, सारा का सारा धन भगवान की सेवा में लगाते हैं, बस वो सेंटर में। तो कैसे सेंटर में रखना है? कहीं मैं ऑफ सेंटर तो नहीं हो रहा, अलाइनमेंट खराब तो नहीं हो रही? तो हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु, उनको चेकअप कराते रहें। अपने मन से ना चलें कि सेंटर में ही रखना हो, खुद अपना इंद्रतृप्ति कर रहे हो, है ना? था जो एक तो ग्रस्त आश्रम होता है और एक ग्रह में भी होता है, तो ग्रह में भी है क्या वो प्रभुपाद जी के फोर प्रिंसिपल्स को ब्रेक कर रहे हैं? हाँ जी, ब्रेक कर। हाँ,
तो मेरा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भक्ति सिद्धांत जी का भी ऐसा कोटेशन है कुछ कि मैं 100 बच्चे पैदा कर सकता हूँ अगर वो कृष्ण भक्त हूँ, तो हम दोनों से कैसे रिलेट करेंगे कि कृष्ण वो इस कोटेशन को दे रहे हैं कि वो गारंटी नहीं दे रहे कि कृष्ण भक्त होंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहे थे या कह रहे थे वो कृष्ण भक्त होने के लिए बच्चे पैदा कर सकते हैं। दोनों के स्टेटमेंट्स अलग अलग पर्सपेक्टिव में बोले गए हैं। कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहा तो वो विवाह कर सकता है और विवाह करके अपनी धर्मपत्नी के साथ वो मैथुन करेगा, लेकिन इसी उद्देश्य के साथ कि मैथुन केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, और उस संतान को बाद में ट्रेन करना है उसको, उसको कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट, अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पा रहा तो मैं लीगल तरीके से इसको सेटिस्फाई करूँगा, ठीक है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे विवाह करना ही पड़े, बच्चे उत्पन्न करने ही पड़े, तो मैं 100-100 बच्चे पैदा कर सकता हूँ, लेकिन उस सारे के सारे स्थिर करूँगा कि सारे सारे कृष्णा कॉन्शियस हों। तो कोई व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे और दूसरा व्यक्ति हो सकता है ग्रस्त ब्रह्मचारी, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, अगर वो केवल मैथुन का उपयोग कृष्णा कॉन्शियस बच्चों के लिए करता है। लेकिन कृष्ण बच्चे कृष्णा कॉन्शियस होंगे ये गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है, ये ऑप्शन उस व्यक्ति के लिए है जो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को तो ये दिक्कत थी नहीं, वो एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने ऐसा कि अगर करना भी पड़े विवाह तो इसलिए विवाह कीजिए, और फिर एक नहीं दो नहीं 100-100 बच्चे भी कीजिए, नहीं केवल किसके लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए। वो गारंटी नहीं है, लेकिन ये मैं सोचा कि उसकी गारंटी ही होगी वो कि हर जीव स्वतंत्र है और दैट वे राइट शुड स्टॉप हियर, है ना, काफी देर हो गई राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन हाँ, यस वेरी गुड क्वेश्चन। क्या जीवन में कोई एम रखना ही नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या वो लस्ट बन जाएगी? या बन सकती है अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो। कैसे बन सकती है? कि आपने हमेशा अपने आप को सेंटर में रखा कि मैं कर रहा हूं क्यों नहीं हो रहा, हमारे हाथ में कर्मण्येव अधिकारस्ते, हमारे हाथ में केवल हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पे नहीं है, रिजल्ट में नहीं है। तो इतने डिटैच्ड होकर आप केवल मेहनत कर रहे हैं कि मैं तो केवल मेहनत करूंगा, मैं सिविल सर्विस क्रैक कर पाया कि नहीं कर पाया ये सब कृष्ण की इच्छा है, मेरे हाथ में क्या है केवल प्रयास करना, बस हो गया तब भी थैंक यू कृष्णा, नहीं हुआ तो कृष्णा इट्स योर डिज़ायर आई विल एक्सेप्ट इट, फिर ये लस्ट नहीं है। लेकिन हम ये नहीं समझते, हम कहते जब मैं कर रहा हूँ तो हुआ क्यों नहीं, फिर मैं डिप्रेस होता हूँ, गुस्सा में आता हूँ, फ्रस्ट्रेट होता हूँ, द्वेष करता हूँ, उसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, देन इट इज़ लस्ट। बस अपने एक्शन ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड रहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। फोकस ऑन द प्रोसेस, एफर्ट्स पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिए, रिजल्ट इज इन कृष्णाज हैंड, देन इट वोंट बिकम लस्ट, ठीक है। एंड इट इज फॉर द कृष्णाज प्लेयर। मैं सिविल सर्विसेज करूंगा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं भगवान का प्रचार खूब करूंगा, मेरे पास पावर होगी, मैं सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को भगवान की सेवा में लगा सकता हूं, इसलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ, देन इट इज़ नॉट लस्ट। लेकिन आप कर रहे हैं नहीं मैं खूब कमाऊंगा, खूब पावरफुल बनूंगा, देन इट इज़ लस्ट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस एंड इट डिपेंड्स ऑन द वे यू प्रोसीड, टेक इट। क्लियर है बाबू? ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।